बच्चों, एक बार की बात है, एक बड़ा पुराना घना जंगल था। उस जंगल में एक जवान हाथी ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह हाथी अपनी ताकत के नशे में चूर था और किसी को कुछ भी नहीं समझता था। उस जंगल में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़े का छोटा सा घोंसला था। चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। चिड़िया सोचती थी कि एक दिन इन्हीं अंडों से नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे। एक दिन की बात है, वो शैतान हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता हुआ उस ओर आया। और देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाले पेड़ को भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे गिर गया, अंडे टूट गए और उसके बाद फिर हाथी ने अपने पैरों से उन अंडों को कुचल डाला। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ भी न कर पाए। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर तभी वहाँ पर एक कठफोड़वा आया। वो चिड़िया का दोस्त था। कठफोड़वे ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी दुख भरी कहानी उसको सुना दी। कठफोड़वा बोला, सुनो बहन, इस प्रकार दुख में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस शैतान हाथी को अब हमें सबक सिखलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चिड़िया बहुत निराश हो गई थी। वो बोली, हम छोटे छोटे जीव उस शैतान और बड़े हाथी का कैसे मुकाबला करेंगे। कठफोड़वे ने उन्हें समझाया, देखो बहन, हम हैं तो छोटे जीव, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो एक और एक 11 होता है। हम ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे और उसके बाद हम उस हाथी को सबक भी सिखला सकते हैं। चिड़िया ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है। कठफोड़वे ने कहा, मेरा एक दोस्त है वियांख भवरा, चलो हम लोग उसके पास चलकर उससे सलाह लेते हैं, वो बड़ा बुद्धिमान है। चिड़िया कठफोड़वा भंवरे के पास गए। भंवरा गुनगुनाया, ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरा एक मेढक मित्र है, आओ चलो हम लोग उससे बात करते हैं। फिर तीनों मिलकर तालाब के किनारे मेढक से मिलने पहुँचे। भंवरे ने अपनी सारी बात उस चिड़िया का दुख मेढक को बताया। मेढक ने कहा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ी देर के लिए मेरी प्रतीक्षा करिए, मैं ज़रा गहरे पानी में बैठकर कुछ सोचता हूँ, शायद कोई हल निकल आए। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद जब वो पानी से बाहर निकला तो उसका चेहरा चमक रहा था। मेढक बोला, दोस्तों, उस दुष्ट हाथी को सबक सिखलाने का एक तरीका मेरे दिमाग में आ गया है। एक बड़ी अच्छी योजना मेरे दिमाग में आई है, लेकिन उस योजना में हम सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सभी खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच में अद्भुत थी। मेढक ने बारी बारी से सबको उनका रोल समझा दिया। जंगल में कुछ ही दूर पर वो शैतान हाथी तोड़फोड़ मचाए हुए था। वो हाथी पेड़ों की शाखाओं और कोंपलों को खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे को करना था। भंवरा हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वा तेजी से आया और उसने अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से हाथी के दोनों आंखों को फोड़ डाला। हाथी की आंखें फूट गईं और वो तड़पता हुआ चिल्लाता हुआ अंधा होकर जंगल में इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हाथी का गुस्सा बढ़ रहा था। एक तो उसको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दूसरे पत्थरों से टकराने की वजह से उसके पैर और शरीर में चोटें लगने लगी थीं।
और चोटों की वजह से उसको दर्द भी हो रहा था। एक तो चोटों का दर्द और ऊपर से चिल्लाते चिंगाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसको तेज प्यास लगने लगी। अब उसको एक ही चीज़ की तलाश थी, पानी की। इधर मेढक ने अपने ढेर सारे दोस्तों को बुला लिया और उनको दूर एक गहरे गड्ढे के किनारे पे इकट्ठा करके वो सब लोग टर्राने लगे। सारे मेढक जोर जोर से टर्रा रहे थे। मेढकों की टर्राने की आवाज़ सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वो ये सोचने लगा कि मेढक तो किसी तालाब या झील के किनारे ही होते हैं, तो वो सरपट उसी दिशा में चल पड़ा। मेढकों के टर्राने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी उनकी आवाज़ की ओर तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। लेकिन दोस्तों, सारे मेढक एक गहरे गड्ढे के किनारे टर्रा रहे थे। हाथी जैसे ही गड्ढे के किनारे पहुंचा, मेढक और जोर से टर्राने लगे। हाथी आगे बढ़ा और उस गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। उस गड्ढे में गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और इस प्रकार उन छोटे छोटे जीवों ने मिलकर उस दुष्ट हाथी को सबक सिखला दिया। पंचतंत्र की कहानियां।